नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस पर पूरे देश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जंगपुरा विधानसभा के पूर्व MLA और दिग्गज सिख नेता कह सकते हैं, जो कि हाल ही में BJP ज्वाइन किया है और इस क्षेत्र में BJP का वर्चस्व अब बढ़ने वाला है। शुरू से ये क्षेत्र BJP के लिए एक आप कह सकते हैं कि संघर्ष बढ़ा रहा है, लेकिन मारवा जी के इस क्षेत्र में आने से, BJP में ज्वाइन करने से ये क्षेत्र मजबूत हुआ है BJP के लिए। आज हम जानना चाहेंगे मारवा जी से कि मोदी जी के जन्मदिवस पर ये क्या कहना चाहते हैं और इस क्षेत्र को मजबूती देने के लिए इनका क्या क्या प्लानिंग है। जी मारवा जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो मैं नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिवस पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात, अभी आपने कहा जंगपुरा के लिए नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड में सिख समाज और पंजाबी समाज के बीच में जाऊंगा और लोगों को अपील करूंगा कि आप सब एक इकट्ठे होके नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। ये मेरा कार्यक्रम रहेगा। अभी आने वाले समय में गुजरात में, आपके हिमाचल में, जहाँ जहाँ भी चुनाव आते जाएंगे, सब जगह जाकर पंजाबी समाज और सिख समुदायों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, JP नड्डा जी के नेतृत्व में, BL संतोष जी के नेतृत्व में, हम सब पंजाबी मिलके नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद करेंगे। आने वाले समय में दिल्ली MCD चुनाव भी होना है, जिसकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस अधिसूचना जारी होना बाकी है। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखो, पहली बात तो कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी नहीं है इस वक्त। दिल्ली में जो हमारा केजरीवाल, जो झूठों का पुलंद है, पहली बात तो वो उठते ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुदरती किस्मत उसका साथ दिया है। पंजाब में कांग्रेस आपस में जूता पटक्की कर रही थी, बड़े बड़े लीडर आपस में लड़ रहे थे, जिनको PCC प्रेसिडेंट, कैप्टन, चीफ मिनिस्टर, उधर से जो अकाली दल था वो दिन पे दिन गिरावट में आ गया। इस करके लोगों ने कहा कि हमारे पास और कोई पार्टी नहीं, वो इसकी तरफ खींच गए। अब ये सोचने लगा, अब इसका उत्तराखंड में कितना प्रचार था कि मैं तो जीत रहा हूँ, कितनी सीटें आई, एक खाता भी नहीं खुला। परसेंटेज निकाल लो 4%। UP में खाता नहीं खुला इसका, कितनी परसेंट आई, 0.5%, 1%। ये तो लोगों को गुमराह करता है। सुबह उठते ही, अरे तेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए, तो अगर आदमी इंसान है, जो तेरी बेइज्जती हुई है, पहली बेइज्जती उसकी क्या हुई है, सतेंद्र जैन जेल में बैठा हुआ है। आप मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन के लिए इतना क्यों बोला? आज जो MLA ओखला वाला है अमृतल, आज उसके लिए क्यों नहीं बोल रहा? उसके यहाँ से तो 25 लाख मिला, क्यों नहीं बोल रहा? आज कोई स्टेटमेंट देखी उसकी? बता दो आप लोग। तो सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया में क्या वजह है कि ये बोल रहा है? क्योंकि मोरा उनको बनाया, अभी ट्रांसपोर्ट वाला भी गहलोत आएगा, तीनों को मोरा बनाया, माल सारा इसके पास गया कि वो मुंह ना खोल दे। क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली विधानसभा जरूर बन गई है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर है। अब ये चाहे वो घोटाला शराब का हो, चाहे वो घोटाला एजुकेशन का हो,
चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वक्फ बोर्ड का हो। अरे तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं स्कूटी नहीं लूँगा, मैं बच्चे की कसम स्कूटी नहीं लूँगा, तूने स्कूटी भी ली। मैं बंगला नहीं लूँगा, तूने बंगला भी लिया। मैं किसी से लोकपाल बनाऊँगा, वो आज लोकपाल गया कहाँ? आज अन्ना हजारे क्यों आपके खिलाफ बोल रहे? क्योंकि इस व्यक्ति ने सबको धोखा दिया है। इस व्यक्ति ने सबको धोखा दिया है, इसलिए आने वाला कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी 90% सीटें जीत के जाएगी। बिल्कुल, मारवा जी ने स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ों को शुरू से लेकर अब तक स्पष्ट किया कि क्यों एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतेगी, क्योंकि केजरीवाल के शुरू के दिन से जो झूठ हैं वो सारे एक एक कर बेनकाब हो चुके हैं। और जिस प्रकार से सबसे बड़ा काम इन्होंने शराब नीति को लेकर किया है, उस पे जैसे महिलाएं नाराज हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग नाराज हैं, क्योंकि शराब से जो दुष्परिणाम हैं सबसे ज़्यादा उसका नुकसान गरीब तबके के लोगों को होता है, महिलाओं को होता है, क्योंकि उनके पति कमाते हैं और शराब में लुटाते हैं, रात में उनका चूल्हा नहीं जल पाता है। और सबसे बड़ा तबका जो केजरीवाल का वोट बैंक था, वो झुग्गी झोपड़ी और गरीब तबके के लोग, वो आज नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्य है कि आने वाले समय में केजरीवाल को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मारवा साहब आपका भी बहुत थैंक यू आपका।